है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यदि आपका चैनल मोनेटाइज हो रखा है, उसके बाद आपने गूगल एडसन अकाउंट बना रखा है, तो उसके बाद आपके पास एक आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए आपके पास एक नोटिस आ जाता है। जैसे मेरे पास आ रखा है, यू आर पेमेंट होल्ड। इसका मतलब यही है कि जब तक आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करोगे, जब तक आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, आपका पेमेंट होल्ड रहेगा। जो आपका गूगल एडसन पर जितने भी आपको पेमेंट डॉलर शो होगा, वो आपका यहीं होल्ड रहेगा। और जब तक आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करोगे, जब तक आपका वो पेमेंट आप निकाल नहीं सकते गूगल एडसन अकाउंट से। तो ये आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे किया जाता है, वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। और गाइस, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। इसका मतलब यही होता है कि जब तक आप आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करोगे, जब तक आपका पेमेंट होल्ड रहेगा, आपका पेमेंट कहीं नहीं जाएगा, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मैं बताता हूँ आइडेंटिटी वेरीफाई कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यहाँ कॉर्नर में एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक्शन। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई नाउ। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। चाहो तो आप यहां से एड्रेस चेंज कर सकते हो या एडिट कर सकते हो पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। उसके बाद दोस्तों, आपको यहां आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बट आपको यहां एक ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, जो आधार कार्ड है। आप यहां आधार कार्ड अटैच नहीं कर सकते, बाकी आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट अटैच कर सकते हो या पैन कार्ड अटैच कर सकते हो। तो आपके पास इनमें से जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है या आईडी है, आप यहाँ आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए आप अटैच कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं पैन कार्ड अपलोड करूँगा आइडेंटिटी वेरीफाई के लिए। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अपलोड। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ अपलोड करना है, वो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो गाइस देखिए, मैंने फ़ोटो सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ अपलोड कर लेता हूँ। अपलोड करने के बाद दोस्तों, यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सबमिट। आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ साफ क्लियर लिखा है, कम से कम आइडेंटिटी वेरीफाई होने में 5 दिन लग सकता है। उसके बाद आपको यहाँ गेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, यहाँ साफ क्लियर लिखा हुआ है, यूर आइडेंटिटी वेरीफिकेशन इन प्रोसेस। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आइडेंटिटी वेरीफिकेशन होने में कम से कम आपको 5 दिन लग सकता है, वैसे तो 1 दिन में हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको YouTube से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।